नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल नगर पालिका का नया कारनामा, कर्मचारियों ने किया लाखों का नुकसान। खबर मध्य प्रदेश का जिला बैतूल से। नगर पालिका बैतूल, जो कि हमेशा ही विवादों में घिरी रहती है, उसके कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड कोठी बाजार स्थित सराय कॉम्प्लेक्स में नया कारनामा करते हुए कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। मामला इस प्रकार है कि आज सुबह 9 बजे नगर पालिका के कर्मचारी फायर ब्रिगेड लेकर सराय कॉम्प्लेक्स पहुंचे तथा परिसर का तीसरा फ्लोर, जो कि खाली पड़ा हुआ है, उसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी से अनावश्यक रूप से धोने लगे, जिसका पानी सेकंड फ्लोर पर स्थित दुकानों एवं ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकानों में घुस गया। इसमें अधिकतर दुकानें इलेक्ट्रॉनिक आइटम की है। इन इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में पानी घुसने के कारण इलेक्ट्रॉनिक सामानों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि हर दुकानदार को लगभग 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में एक दुकानदार ने संतोष धनोरिया को कई बार फोन लगाया, परंतु उसके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। संतोष धनोरिया की इसी हरकत के कारण उसे भारी सभागृह में हाथ पकड़कर बेइज्जत करने के बाद भी संतोष धनोरिया का रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संतोष धनोरिया जिसे काम करने कराने से परहेज है, इसी कारण से यह व्यक्ति हमेशा विवादों में घिरा रहता है। नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक राजेश कुमार सोनी को उक्त स्थिति से अवगत कराने पर उन्होंने बिना देरी किए नगर पालिका के कर्मचारियों को सराय कॉम्प्लेक्स भिजवा कर दुकानों में जमा पानी को बाहर निकलवाया तथा परिसर में फैली गंदगी को साफ करवाया। कुल मिलाकर नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण रूप से बेलगाम हो गए हैं। इन पर किसी भी उच्च अधिकारियों का कोई अंकुश नहीं रहा है। बैतूल से जिला ब्योमरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र गावंडे है। मेरी यहाँ सराय कॉम्प्लेक्स में दुकान नंबर 7 है। अभी विगत 3 वर्षों से मेरी दुकान यहाँ पर है। नगर पालिका को 3 वर्षों सफाई का हो रहा, सफाई नहीं। आज अचानक उन्होंने फायर ब्रिगेड ला के ऊपर का तीसरा माला उसको फायर ब्रिगेड से धोया, जिसके कारण सेकेंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों पे दुकानों में पूरा पानी भरा गया। और अभी 2 घंटे से फोन लगा रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई जवाब देने वाला वहाँ से नहीं है। और हम दुकानों में बहुत नुकसान हुआ हमारा। पूरा सामान पानी में गीला हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है पूरा गीला हो चुका है, इसका कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है अभी कंडीशन में। सर, अभी नीलामी हुई है तो शायद उस कारण से करी, खाली दुकानों की धुलाई कर दी उन लोगों ने, बट कोई औचित्य नहीं था उसको धोने का। अभी वहाँ दुकानें बिकी भी नहीं, वो दुकानों की सफाई करी उन लोगों ने। जो अभी चलित में गंदगी है यहाँ पर, उसकी सफाई आज तक के नहीं हुई। लगभग 10-12 दुकानों में पानी गया है, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे 7-8 दुकानों में। लगभग कितना नुकसान हुआ दुकानदारों का? हर दुकानदारों का मिनिमम 20-30 हजार से ऊपर का नुकसान हुआ है। और अभी पानी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, थोड़ी देर बाद पता लगता है कि क्या खराब हुआ उसमें, तो नुकसान और बढ़ सकता है। देखने में आ रहा है कि ग्राउंड फ्लोर नीचे सफाई वगैरह भी नहीं हो रही है, आपने इस संबंध में कभी कोई शिकायत? बहुत शिकायत कर सर, 181 पे कंप्लेंट डाली, यहाँ धनुराज जी के पास जाकर डाली, कई बार आवेदन दिए। यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ गंदगी पहले दिन से ऐसी है। हम लोग कलेक्शन करके यहाँ से झाड़ू पोछा लगवाते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी नहीं आते? नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं, ऐसे ऊपर झाड़ू मार के चले जाते हैं। और अगर उनसे कंप्लेन करने जाओ, उनकी कंप्लेन करने जाओ, तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे आदिवासी एससी एसटी कंप्लेन डाल देंगे। क्या चाहते हो सर? सफाई हो जाए, प्रॉपर दुकानदारी करें हम लोग, सफाई हो जाए और जो अवस्था है वो व्यवस्थित हो जाए एक बार, और हमारी नुकसान की भरपाई हो। क्या